बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक चालक युवक की मौत हो गई, वहीं महिला समेत एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मारी थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में गंगाराम जांगड़े नामक अधेड़ व्यक्ति ने मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की पहचान करने के बाद पामगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में मठ पुरैना स्थित त्रिमूर्ति मंदिर के सामने चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को टिकरापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पेपर बांटने वाले को चाकू दिखाते हुए मोबाइल लूट लिया था। आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल और एक चाकू जब्त किया गया है। जसपुर जिले की बगीचा तहसील कार्यालय चौक में रविवार को हुए हादसे में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा युवक की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। रायगढ़ जिले के चकधर नगर थाना प्रभारी द्वारा युवक पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर गले व शरीर के कई हिस्सों में चोट पहुंचाने वाले हमलावर आरोपी विशाल गुप्ता को मुखबिर की सूचना पर बोईर दारदा चौक के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने कई दिनों तक लुका छिपी करता रहा। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के बकेली गांव में स्थित क्रशर उद्योग के चौकीदार से मारपीट कर मोबाइल और ट्रैक्टर की बैटरी को लूट कर ले जाने वाले अनिल यादव भूषण सिद्धार पुष्पेंद्र को खरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम चिस्ता उप स्वास्थ्य केंद्र के पास रविवार को एक पिकअप सड़क किनारे बनी नाली में जाकर पलट गई, जिससे मालवाहक वाहन में सवार लगभग 25 यात्रियों को चोट पहुंची, जिसमें से 10 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे बिलासपुर स्थित सिम्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज थाना के एएसआई ने एक युवक को घसीट घसीट कर लहूलुहान होने तक पिटाई की। युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सहायक सब इंस्पेक्टर से एनिकेट पर जाने से रोकने का कारण पूछा, फिर क्या एएसआई आग बबूला हो गया और जमीन पर पटक पटक कर उसकी ठुकाई कर दी। बालोद जिले के ग्राम भेड़रा निवासी मेहुल जोशी ट्यूशन जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से गुंडरदेही जा रहा था, तभी बीच रास्ते में विपरीत दिशा से आ रही कार से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गुंडरदेही स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुंडरदेही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरमुंदा में ऑटो बनाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी रामकुमार साहू ने अपने पास रखे चाकू से पीड़ित किशन साहू पर हमला कर दिया। इस घटना में किशन साहू को जांघ के पास गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी रामकुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। खमतरी थाना पुलिस मुखबिर की सूचना पर बनपुरी चौक के आगे रिंग नंबर 2 के पास दबिश देकर निगरानी बदमाश गणेश बांधे को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से सफेद रंग के प्लास्टिक थैले में रखे 6 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत लगभग 65,000 रुपए को जब्त किया है। बिलासपुर में सतीश तिवारी का मिनी बस्ती और जूना बिलासपुर के कुछ युवकों से पुराना विवाद चल रहा था। रविवार की दोपहर युवकों ने प्लानिंग के तहत सतीश तिवारी को एसबीआर कॉलेज के सामने बुलाया और बातचीत के दौरान धारदार चाकू से उस पर वार कर मौत की घाट उतारकर फरार हो गया।
बलौदा बाजार से बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां 76 वर्षीय बुजुर्ग और 47 साल के अध्ययन ने 13 वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। दोनों दरिंदों ने नाबालिग को 10 रुपए देने का लालच दिया, जिसके बाद उसे अपने घर ले गए। लगातार 3 दिनों तक नाबालिग से दुष्कर्म करते रहे। मामला पुलिस के पास जाते ही दोनों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विजिलेंस टीम ने भिलाई के स्टेशन मोरदा स्थित आरक्षण केंद्र के क्लर्क डी हेमंत कुमार और दलाल राघवेंद्र यदुवंशी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि क्लर्क तत्काल टिकट बनाने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेता था और एजेंट 300 रुपए लेता था। वहीं यह पूरा खेल व्हाट्सएप से चलता था। बताया जाता है कि गिरफ्तार एजेंट रायपुर के टिकरापारा का रहने वाला है। रायपुर के एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान में जाकर देखने पर पाया गया कि कुछ व्यक्ति ताश पत्ती में रकम का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा रेड कार्रवाई की और घेराबंदी कर ताश पत्ती से जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया और जुआरियों के कब्जे से नकद 65,900 रुपए एवं ताश पत्ती जब्त किया गया। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने चाकू और टंगिया से जानलेवा हमला करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पैदल चलते समय कीचड़ के छींटे पड़ने से विवाद शुरू हुआ था, जो कि जानलेवा हमले में तब्दील हो गया। कोरबा जिले की कोतवाली पुलिस ने यौन शोषण के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर युवक को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने वाली युवती को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवती ने रिपोर्ट करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए तक वसूल चुकी है। वहीं 1 लाख रुपए की और मांग कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रायगढ़ जिले की कोतरा रोड पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मवेशियों को बूचड़ खाने ले जाते पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पिकअप में से 10 मवेशियों को बरामद किया है। वहीं वाहन में सवार 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। सरगुजा जिले के लखनपुर के वार्ड क्रमांक 9 निवासी राम स्नेही साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस कमरे में उन्होंने फांसी लगाई थी, उसकी दीवार पर लिखा था कि मैं कर्ज लेकर काम नहीं करना चाहिए, कर्ज से मैं परेशान हो चुका हूं, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग स्थित सरगांव पेट्रोल पंप के पास रविवार को एक अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार आरएचओ को जोरदार टक्कर मारते हुए पलट गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार आरएचओ की अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई। कोरबा जिले के बरमपुर में 2 नक्सली युवकों ने कार एवं एटीएम मशीन में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। घटना में कार बुरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है, जबकि एटीएम का बटन व कैश विड्रॉल सिस्टम में जल गया। सूचना पर सर्वमंगला पुलिस ने सहायता चौकी पुलिस ने जांच करने के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी लगाने का झांसा देकर अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी अनंत कुमार सिद्धार को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर जिले के डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमी की शराब दुकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व देसी शराब लेकर जा रहे कार सवार 2 युवकों को दुर्गेश यादव उर्फ पिंटू व फगुला निषाद को पकड़कर उनके पास से कार सहित 1,10,000 रुपए की अंग्रेजी व देसी। मुंगेली जिले के सरगांव थाना पुलिस ने पथरिया पहुंच मार्ग पर बड़े पैमाने पर कोयले की अफरा तफरी की सूचना पर दबिश देकर करमन कोल डिपो में कोयले के भंडार सहित जेसीबी मशीन 3DX, 2 लोडर जेसीबी मशीन व 8 टेलर को ट्रक को कोयला सहित लाखों रुपए का माल जब्त किया है।
बलौदा बाजार जिले के सुहेला थाना क्षेत्र में ग्राम बरडी स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने लगे चकना सेंटर में राह चलती महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी करने से मना करने पहुंचे सरपंच के साथ मारपीट करने वाले 8 आरोपियों को सुहेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर जिले के पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक ललन सिंह को सरकारी वाहन में सागौन की लकड़ी की तस्करी करते रविवार को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। शैक्षणिक संस्था का सदस्य बनाने के नाम पर 13 लोगों से 65,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को भिलाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने संस्था का सदस्य बनाने के बाद हर सदस्य को मासिक लाभांश देने का भी झांसा देकर ठगी की थी। धमतरी जिले के ग्राम करगा कुरु से 20 लोग रविवार को एक पिकअप वाहन से घूमने के लिए मैत्री गार्डन आए हुए थे। घूमने के बाद सभी लोगों ने वापस धमतरी लौट रहे थे, तभी रास्ते में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के सामने गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों में 2 बच्चे और 8 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। रायगढ़ खरसे थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से लेबर लेने निकले युवक की हाईवे बैरियर के पास हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसके साथी मजदूर को गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर्स ने उसे रायगढ़ रेफर किया। रायगढ़ में फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग पर पर्यावरण विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्लॉट और ट्रांसपोर्टरों के सामने अधिकारी नतमस्तक हो चुके हैं, इसलिए अब राजस्व विभाग ने ही कार्रवाई का बीड़ा उठाया है। कलेक्टर के आदेश पर रायगढ़ SDM ने धनागर में फ्लाई ऐश को समतल करते 2 JCB को भी जब्त किया है।